अभी नरेंद्र मोदी ने नेशनल पार्क का उद्घाटन किया वो था, और ये हाल ही में जो भी बैडमिंटन प्लेयर थे उन्होंने संन्यास लिया, उनके बारे में था। मतलब मैथ और रीजनिंग मतलब मिला जुला कर ठीक ठाक दे। हाँ ठीक ठाक। जीके जीएस क्या लग रहा है? जीके जीएस मतलब पिछले बार से इजी है। नहीं, एक दिया था रामबाग के बारे में दिया था, फिर प्लासी के युद्ध के बारे में दिया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? नहीं, किसके शासन काल में हुआ था? किसके साथ? कैसे हैं दोस्तों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ रीजनिंग स्टडी पॉइंट में। मैं प्रीतम राजा आप सबके सिवाय फिर से उपस्थित हूँ। आज जो है एसएससी सीएचएसएल का जो है सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त होने जा रहे थे, मिलते हैं कुछ कैंडिडेट से और पूछते हैं कि एग्जाम का लेवल क्या आ रहा है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी एग्जाम का अगर रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 9 मार्च 2023 का एसएससी सीएचएसएल का रिव्यू कराने जा रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए मैथ रीजनिंग स्टडी पॉइंट। 91 कर दिए, धाकर किए आप, क्या हो गया इसमें? गर्दा हो रहा है ना? गर्दा हो रहा है। जीके इजी आ रहा है। जीके कैसा आ रहा है? एकदम इजी आ रहा है, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर से 3-4 क्वेश्चन आ रहा है, करंट अफेयर 2 क्वेश्चन 2021 का था, अब बाकी 2022 का 2-3 क्वेश्चन आ रहा है, लगभग 5 क्वेश्चन करंट अफेयर का आ रहा है लगभग। जी, करंट अफेयर कुछ ज्यादा दिखने को मिल रहा है। हां, 5 बोल सकते हैं, 20% के आसपास में आ रहा है। जी, फर्स्ट शिफ्ट वाला में भी जो है पता नहीं, फर्स्ट शिफ्ट का नहीं पता, मतलब 8-10 के करीब में था। जो भी हो इसमें कुछ याद है क्या करंट अफेयर में किस टाइप का? जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी ने नेशनल पार्क का उद्घाटन किया वो था, और ये हाल ही में जो भी बैडमिंटन प्लेयर थे उन्होंने संन्यास लिया, उनके बारे में था। अच्छा, प्लेयर के बारे में दे दिया था? हाँ, वो जो रिटायर्ड प्लेयर हुए ना बैडमिंटन के, उनके बारे में था। योजना से कुछ था क्या? योजना वगैरह से नहीं था। योजना से नहीं। और खेल में क्या से दो था? पुस्तक में क्या? मानसरोवर। जी, और नृत्य से बताइए, नृत्य महोत्सव? नृत्य से नहीं था, वो संगीत का वाद्य यंत्र वाला था, एक सरोद के दाता कौन थे ऐसा कुछ। जी, और रीजनिंग में बताइए क्या सबसे ज्यादा क्या देखने को मिला? रीजनिंग में एनालॉजी से आ रहा है क्वेश्चन सबसे ज्यादा दिख रहा है, वर्ड एनालॉजी से। अच्छा, और कोडिंग डिकोडिंग कितना था लगभग? 2-3। हाँ, सीटिंग कथन निष्कर्ष नहीं दे रहा है क्या? था, 2 क्वेश्चन था, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था। सीटिंग अरेंजमेंट इस बार दिया ही नहीं? नहीं, कोई बैठने का क्रम भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं था। ये तो मोस्ट होता है क्या? एक था बस सर्कल वाला था बस वही, और बाकी कुछ था नहीं। कोडिंग डिकोडिंग किस टाइप था कुछ बताइएगा? जैसे कि कुछ PQ है, कुछ QM है, ऐसे थोड़ा ईजी था वो, ज़्यादा हार्ड था नहीं। ज्योग्राफी में कुछ बताइएगा? बढ़िया बटन क्या, और बढ़िया बतला भी रहे नहीं ऐसा कुछ है नहीं, बढ़िया क्या मतलब, जो भी हो बढ़िया किए। और भी बहुत सारे बंदे थे जो कि 100 में 100 अटेम्प्ट नहीं, भैया 100 में 100 करने वाले भैया वो नहीं होता है। मैथ रीजनिंग इजी आ रहा है, कुछ तो लोग मैथ रीजनिंग भी इजी आ रहा है, कुछ वैसा है नहीं मैथ में, कुछ खास नहीं है। मैथ में सबसे ज्यादा कहाँ से देखने को मिला? अर्थमेटिक से बोल सकते हैं, वेटेज एवरेज ही है। जैसे कि क्वेश्चन में हमारे एडमिट कार्ड में देखिएगा तो लिखा गया है, क्लियर लिखा गया है अर्थमेटिक, लेकिन अर्थमेटिक से कम है, एडवांस मैथ भी ज़्यादा आ रहा है। एडवांस को ज़्यादा कर दिया है। जैसे कि त्रिकोणमेट्री से 2-3 क्वेश्चन है, आपको मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन था, ज्योमेट्री से 2-3 क्वेश्चन था, अलजेब्रा से 1 ही क्वेश्चन था, बाद में बात करें, अलजेब्रा से 1 ही 2 क्वेश्चन था, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मतलब जो हमारा एडवांस का पोर्शन था उससे 10-12 क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, अर्थमेटिक से बहुत कम है। पाइप और टंकी सबसे कुछ नहीं दे रहा? पाइप टंकी से था, 1 ही क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क से कितना? टाइम एंड वर्क से भी 1 क्वेश्चन था। CPR से बताइएगा? CPR से उतना ज्यादा था नहीं। एवरेज से कुछ बताइए? एवरेज से 1 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था। किस टाइप था कुछ ध्यान में है क्या? जैसे कि उसमें दिया था एक क्लास का मतलब जो नंबर है ना वो 21 है। आ जाइए, 20 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 60 है, तो 21 एक नया पर्सन आता है जिसकी वजह से एवरेज एक कम हो जाता है, 59 हो जाता है, तो नए मेंबर का एवरेज पूछ रहा था। एक में था कि पूरे क्लास का एवरेज दे दिया 60 स्टूडेंट का, तो फिर 40 आ गया तो उसका पूछ रहा था, ऐसे था। एवरेज में भी इजी है, मतलब मैथ और रीजनिंग मतलब मिला जुला कर ठीक ठाक दे। हाँ ठीक ठाक। जीके जीएस क्या लग रहा है? जीके जीएस मतलब पिछले बार से इजी है, पिछले बार से इजी है। जैसे कि नॉर्मल स्टूडेंट है वो 15 तक अटेम्प्ट कर सकते हैं जीके जीएस में। हाँ, 20 है ना जीके जीएस? 25। हाँ, 15 सही कर सकते हैं, नॉर्मल जो पढ़ते हैं एवरेज स्टूडेंट वो बना सकते हैं। हाँ, ऐसा। चलिए, साइंस में कितना देखने को मिल रहा है? साइंस से बताइए। साइंस में वो तो एडियम फ्रेजेज में भी एक क्वेश्चन आ गया था नेफ्रोलॉजिस्ट का। हाँ, एक साइंस में तो सूत्र दे रहा है क्या? नहीं नहीं, वो सूत्र उत्र कुछ नहीं दे रहा, नहीं आ रहा है ये समझ नहीं। साइंस से लगभग कितना लग रहा होगा तीनों मिलाकर? 3 क्वेश्चन था शायद 3 था। तो साइंस पर ज्यादा नहीं ध्यान दे? नहीं, साइंस नहीं पूछता। ये आर्ट एंड कल्चर से 3-4 क्वेश्चन था, और करंट अफेयर से 5-6 क्वेश्चन था। करंट अफेयर 22 वाला था या 21 वाला? 2-21 का, 3-4-22 का, 21 का भी था, 2 क्वेश्चन 21-22 दोनों था। हाँ, बोल सकते हैं कि अभी से 18 महीने पहले तक का करंट अफेयर। इंग्लिश में क्या लगा? इंग्लिश भी इजी था,
पिछले बार की तुलना अगर मान लेगा हम कंपेयर करते हैं पिछले ईयर के क्वेश्चन से, तो इस बार ईजी है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अपना नाम बता दीजिए। रजनीश कुमार सिंह, दरभंगा से। कहाँ से? दरभंगा से जी। बढ़िया, कार्ड दे दीजिएगा। बताइए कितना टाइम किए हैं आप? क्या लेवल क्या लग रहा है? लेवल सही था, जीएस इजी लगा, मैथ्स भी थोड़ा टाइम मैनेजमेंट था, जो बच्चा टाइम मैनेज किया उसके लिए मैथ भी इजी था। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके लिए, हाँ उसके लिए सही है। और साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह रहा, दो तीन क्वेश्चन रह रहा है। हिस्ट्री से चार पांच क्वेश्चन था। हिस्ट्री से चार पांच दे दिया? हाँ। किस टाइप कुछ क्या था, कुछ युद्धार्थ दे दिया था क्या? नहीं, एक दिया था आरामबाग के बारे में दिया था। अच्छा। फिर प्लासी के युद्ध के बारे में दिया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? नहीं, किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था, हाँ ये क्वेश्चन था। और ऐसे ही और क्वेश्चन था। संविधान से कितना क्वेश्चन देखने को मिल रहा है? आर्टिकल से था, हाई कोर्ट से था। क्या था, किस टाइप? हाई कोर्ट रीट जारी करने का शायद था, 226 वाला आर्टिकल, 226 शायद उसका आंसर सही होगा। अच्छा, मुख्यमंत्री राज्यपाल ये सब कुछ दे रहा है क्या? नहीं ये नहीं दे रहा है, करंट अफेयर से, खेल से क्वेश्चन दे रहा है। अच्छा। हाँ, खेल इससे पहले फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, हाँ हाँ ये खेल से क्वेश्चन रहा है। क्या दिया था अभी खेल में, क्या था अभी? कुछ ट्रॉफी था जो याद नहीं आ रहा है, पॉपुलर ट्रॉफी नहीं था, लेकिन एक ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। मतलब देना कंटिन्यू चालू? हाँ। जनगणना से कुछ देखने को मिला क्या? नहीं, जनगणना से क्वेश्चन नहीं था, जनगणना से नहीं। ज्योग्राफी में कितना लगभग रहा होगा? ज्योग्राफी में नदी से दो क्वेश्चन था, उद्गम स्थान और स्टेट, वो एक तो पूछा था कौन सा नदी इसमें राजस्थान में समाप्त होती है, और एक था मतलब बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, बंगाल की खाड़ी में कौन सा नदी गिरती है। अच्छा, हाँ ये तो सब लोग जहाँ तक कि मारे ही होंगे क्योंकि सब क्वेश्चन जी जी जी, ये सब क्वेश्चन सही है। आप कितना टाइम किए थे? 82। मेरा जीएस ठीक रहा, बढ़िया बढ़िया रहा, थोड़ा रीजनिंग में टाइम मैनेज नहीं हो पाया इसलिए शॉर्ट आउट क्वेश्चन हो गया। आने वाले कैंडिडेट को क्या कहना चाहते हैं, मतलब किस पर ध्यान देना चाहिए? आने वाले कैंडिडेट को क्या कहना चाहते हैं, अभी जो भी टाइम है एक सप्ताह है कुछ व्यक्ति, टाइम मैनेज बहुत जरूरी है, टाइम मैनेज बहुत जरूरी। क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से करें, मैथ या रीजनिंग या जीके जीएस या इंग्लिश? देखिए जीके जीएस हर स्टूडेंट एक एवरेज मारता है जी। लेकिन मैथ रीजनिंग इसमें बेस है, इसमें तो चारों बेस है जी। तो जीके जीएस के साथ साथ मैथ और रीजनिंग्स में जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि एक घंटे के अंदर सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ, तो टाइम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। मैथ को पहले बनाए या बाद में, क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मेरे ख्याल से जीएस मारना चाहिए जो इजी सेक्शन है, क्योंकि जो टाइम मैनेजिंग वाला सेक्शन है उसको बाद में अटेम्प्ट ले, ये ना हो कि मैथ थ्योरीनिंग के चलते आपका जीएस छूट जाए, साइंस छूट जाए, इंग्लिश छूट जाए। तो जो पहले इजी सेक्शन है उसको मारे, जिसमें आप कंफर्टेबल लगते हैं। शुक्रिया। कितना टाइम किए थे आप? 82। नाम बदला दीजिए। आदर्श कुमार। कहाँ से आप आए हैं? पटना से। बहुत बहुत शुक्रिया, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू, बहुत बढ़िया बनाए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा अभी जो है से एसएससी सीएससी का जो है से एग्ज़ाम जो सेकंड शिफ्ट का समाप्त हुआ, हमने कैंडिडेट से मिला और एग्ज़ाम का लेवल देखा। एग्ज़ाम का लेवल अभी तक तो बहुत बढ़िया रहा है, जितना भी कैंडिडेट मिल रहे हैं तो मैथ और रीजनिंग के बारे में बहुत अच्छा बतला रहे हैं, और जहाँ तक कि जीके जीएस भी बहुत बढ़िया ही दे रहे हैं, 25 में 15 जीके जीएस बनाने वाला आ रहा है। और करेंट अफेयर मेरे प्यारे दोस्तों, करेंट अफेयर कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 5 से 6 क्वेश्चन करेंट अफेयर से आ रहा है, तो करेंट अफेयर को मोस्ट देख कर यहाँ, और खेल से संबंधित कंटिन्यू पूछ रहा है तो खेल से संबंधित क्वेश्चन को देखिए, जरूर ही देख लीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं फिर थर्ड शिफ्ट में, देखते रहिए मैथ रीजनिंग स्टडी पॉइंट, तब तक लिए जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं फिर थर्ड शिफ्ट में।